हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व किया। इस वीडियो में अब हम सॉल्व करेंगे 4, 5 और 6 को, ठीक है ना। तो हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन को एक बार देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें पूछ रहा है हाउ मेनी टर्म्स ओके ऑफ एन एपी, ठीक है ना। ये सिक्वेंस दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी आर नीडेड, ठीक है ना। कितना नीडेड होगा टू गिव द सम इक्वल्स -25, ठीक है ना। मतलब कि Sn equals -25 के लिए number of terms कितने चाहिए, n कितना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए yes, इस sequence से at least हम a निकाल सकते हैं, ठीक है ना, a निकाल सकते हैं। इसके बाद d भी निकाल सकते हैं यहाँ से क्योंकि ap में है, ठीक है ना। और हमें पता है कि जो formula है Sn का वो ये है n by 2 multiply by 2a plus n minus 1 into d, ठीक है ना। इसमें a और d सब्स्टिट्यूट करेंगे तो n का इक्वेशन आएगा जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। उसको सॉल्व करने के बाद हम लोगों को n का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से हम लोग सॉल्व करेंगे पूरा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये a है जो यहाँ पे a कितना है -6 है और d कितना होगा -6 माइनस फर्स्ट टर्म, सो सेकेंड टर्म इज -11/2 -6, ठीक है। तो फाइनली होगा d इक्वल्स 1/2, ठीक है। तो एक बार फिर से पूरा सॉल्व करेंगे चौथे नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। तो a जो है हमारा वो है -6, d जो है वो है 1/2 और हमें नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं कितने टर्म्स चाहिए होंगे -25 सम के लिए, ठीक है ना। मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर टू गेट द सम ऑफ -25, ठीक है ना। तो देखिए समेशन का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी देख लिया, फिर से एक बार लिखते हैं जिससे कि आपको याद हो जाए। बार बार लिखना है दोस्तों, ठीक है ना, बार बार लिखना है, लिख करके याद बहुत ज्यादा होता है, मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है। -25 a और d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए और इसको सॉल्व करिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो n 2 मल्टीप्लाई बाय a कितना है -6 है, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है 1/2, ठीक है, इक्वल्स -50, ठीक है ना। अब देखिए फिर से हम लोग इसको थोड़ा सा और ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे, तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा एन माइनस 24 प्लस एन माइनस 1 इक्वल्स -100, ठीक है ना। इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई यहाँ पे करते हैं जिससे कि आप आसानी से देख पाएंगे सॉल्यूशन को, ठीक है ना। तो यहाँ पर होगा एन स्क्वायर माइनस 25 एन प्लस 100, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो एन का वैल्यू आसानी से आप निकाल सकते हैं, आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। तो b कितना है -25, तो माइनस माइनस 25 प्लस माइनस माइनस 25 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 कितना होगा 25 प्लस माइनस, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 225 आएगा, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। फर्दर इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हैं तो n की जो वैल्यू होगी वो होगी 25 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज 15, राइट, यू ऑलरेडी नो। सो n का एक वैल्यू होगा 25 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, सो सम इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 20, ठीक है ना। एक वैल्यू n का 20 होगा, 20 टर्म चाहिए होगा, और एक क्या होगा n इक्वल्स 25 प्लस सॉरी नॉट प्लस प्लस हमने ऑलरेडी ले लिया है तो माइनस लेंगे, ठीक है ना, माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2, सो 10 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 5। तो इसके दो आंसर होंगे n इक्वल्स 20 एंड 5, ठीक है ना। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए चौथे नंबर क्वेश्चन में, फोर्थ में, ठीक है। अब हम फिफ्थ नंबर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। फिफ्थ क्वेश्चन को एक बार फिर से स्टडी करते हैं क्या फिर है क्या, ठीक है, और बाकी ये सब थोड़ा डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे कुछ अगर एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ी तो लिखा जाएगा, ठीक है ना।
तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि देखिए इन एन एपी इफ फिफ्थ टर्म, ठीक है, फिफ्थ टर्म मतलब एपी इज इक्वल टू 1 बाय क्यू, ठीक है ना, ये दिया है हमें, ठीक है ना, 1 बाय क्यू एंड क्यूएथ टर्म इज 1 बाय पी, ठीक है ना, मतलब ए क्यू क्यूएथ टर्म इज 1 बाय पी, देन वी हैव टू प्रूव दैट कि समेशन ऑफ पी क्यू टर्म्स, ठीक है ना, समेशन ऑफ पी क्यू टर्म्स इज इक्वल टू 1 बाय 2 पी क्यू प्लस 1। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए यहां से क्या होगा, आप जानते हैं कि a प्लस पी माइनस 1 डी लिख सकते हैं इसको हम बहुत आसान से, क्योंकि जो ये कौन सा टर्म है, पी टर्म है, ठीक है ना, तो n n विल बी इक्वल टू p, सिंपली यहां पे a प्लस q माइनस 1 व्हिच इज इक्वल टू d, ठीक है ना, यहां पे दो इक्वेशन बनते हैं, ठीक है, दो इक्वेशन बनते हैं, इन दो इक्वेशन से हमें क्या मिलेंगे, a और d मिलेगा, ठीक है ना। तो हमें अगर समेशन ऑफ पी क्यू टर्म बताना है कि ये इतना होगा, तो हमें फॉर्मूला पता है कि क्या होगा, तो यहाँ पे n क्या होगा, n विल बी इक्वल टू पी क्यू, ठीक है ना, तो n बाई टू मल्टीप्लाइड बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे और एस पी क्यू निकालेंगे, ठीक है ना, n विल बी रिप्लेस बाई पी क्यू, ठीक है ना, और आप देखेंगे जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1 बाई टू पी क्यू प्लस 1, ठीक है ना। तो इसको एक बार कंप्लीट करके देखते हैं कि आखिर हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है कि AP is 1 by Q, मतलब PH term is 1 by Q and QH term is 1 by P, ठीक है ना। तो हमें SPQ प्रूफ करना है, जो कि होगा 1 by 2 PQ plus 1, ठीक है। तो ये इक्वल होगा किसके, ए प्लस ए एन, एन यहां पे क्या होगा, पी, ठीक है ना, पी माइनस वन इंटू डी, ये इक्वल होगा किसके, ए प्लस क्यू माइनस वन डी, ठीक है ना। ये हमारा इक्वेशन वन है, ये हमारा इक्वेशन टू है, ठीक है ना, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हम ए और डी को निकालेंगे। तो देखिए इक्वेशन वन माइनस टू क्या मिलेगा हमें, देखिए इक्वेशन क्या है, a प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल्स वन बाई क्यू, ठीक है, a प्लस क्यू माइनस वन डी इक्वल्स वन बाई पी, दोनों को माइनस किया, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा d कॉमन ले लेते हैं, p माइनस क्यू, ठीक है, इक्वल्स p माइनस क्यू डिवाइड बाई पी क्यू, जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा, ये कैंसिल, ठीक है, तो d का वैल्यू होगा 1 बाई पी क्यू, ठीक है ना। देखिए d का वैल्यू हमें ज्ञात, ठीक, अब हमें a का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, आइदर 1 और 2, 1 में पुट करते हैं d का वैल्यू, तो देखिए जब हम इस d का वैल्यू 1 में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस पी माइनस 1 डिवाइडेड बाई पी क्यू इक्वल्स 1 बाई क्यू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और इवेल्युएट भी करेंगे, तो क्या मिलेगा, 1 बाई क्यू माइनस पी माइनस 1 डिवाइडेड बाई पी क्यू, एंड फाइनली a विल बी, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 बाई पी क्यू होगा, ठीक है, तो a का वैल्यू भी 1 बाई पी क्यू होगा, ठीक है, इसमें कोई दो है नहीं। तो देखिए अब हमें निकालना है एस पी क्यू, ठीक है ना, तो n के जगह पे हम पी क्यू रिप्लेस करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म है, नंबर ऑफ टर्म है, वो इक्वल है पी क्यू के, ठीक है ना, पी क्यू, तो n इज इक्वल टू पी क्यू, रिप्लेस किया n बाई टू मल्टीप्लाइड बाई टू इंटू ए विच इज 1 बाई पी क्यू प्लस n इज अगेन पी क्यू माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई पी क्यू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या मिलेगा, पी क्यू डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस पी क्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई पी क्यू, पी क्यू पी क्यू कैंसिल, फाइनली क्या मिलेगा, 1 बाई टू पी क्यू प्लस 1, ठीक है, एस पी क्यू, यही हमें निकालना था, हेंस प्रूफ, ठीक है, कोई डाउट नहीं, चलिए बढ़िया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही आसान है, ठीक है ना, ये सब फॉर्मूला याद कराने के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं कि आप ये 2-3 प्रॉब्लम कर लो जिससे कि फॉर्मूला याद हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ द सम ऑफ सर्टेन नंबर्स ऑफ द टर्म्स ऑफ द एपी, ये सीक्वेंस दिया हुआ है,
इज इक्वल टू 16, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको यहां से डिलीट करते हैं, फॉर्मूला नहीं डिलीट करेंगे, फॉर्मूला रखे रहेंगे, ठीक है ना, जिससे कि आप एक बार रिवाइज कर सकें, सॉरी, ठीक है। तो देखिए, इफ द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी, ये सीक्वेंस है जिसका फर्स्ट टर्म है 25, ठीक है ना, लास्ट टर्म नहीं दिया गया है, ठीक है ना, डी निकाल सकते हैं, डी क्या होगा, 22 माइनस 25, ठीक है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 25 है, माइनस 3, ठीक है। तो सम ऑफ सम टर्म जाके एन के बराबर है, ठीक है ना, अब सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना, और वो सर्टेन नंबर ऑफ टर्म क्या है, एन है, ठीक है ना, इज इक्वल टू 116, ठीक है ना। देन हमें फाइंड करना है कि व्हाट विल बी द लास्ट टर्म, ठीक है ना, व्हाट विल बी द लास्ट टर्म, ठीक है ना। तो देखिए सबसे बढ़िया फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए, n/2 मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस एल। क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखिए हमें सिर्फ n फाइंड करना है, a ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है ना, जैसे इन दोनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे लास्ट टर्म आ जाएगा। तो हमारा टारगेट क्या है, पहले n कैलकुलेट करना, ठीक है ना, n कैसे निकालेंगे इसके लिए, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे a और d दिया गया है, और हम जानते हैं कि Sn का फॉर्मूला a और d के टर्म में ये होता है, ठीक है ना, एक बार फिर से लिख देते हैं यहाँ पे, n बाई टू मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n माइनस 1 डी, ठीक है, यहाँ पे a और d सब्स्टिट्यूट करेंगे और इक्वेट कर देंगे 116 के, तो हम यहाँ पे n कैलकुलेट कर पाएंगे। तो एक बार देखते हैं इसको कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंग जो हमारा a है वो है 25, जो d है वो है हमारा माइनस 3, और सम ऑफ सम सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 116, ठीक है ना। हम जानते हैं कि ap में जो समेशन ऑफ n टर्म होता है वो क्या होता है, n बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, विच विल बी इक्वल टू 116, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद हम n a और d का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई a क्या है यहाँ पे 25 प्लस n माइनस 1 माइनस 3 इक्वल्स 116, ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, n इक्वल्स सॉरी n मल्टीप्लाई 50 प्लस थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ठीक है ना, माइनस 3 प्लस सॉरी 3n प्लस 3, ठीक है, इक्वल्स 232, मैंने 2 को यहाँ पर लाया, ठीक है ना। इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हैं जिससे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए इजीली, सो माइनस 3n स्क्वायर, ठीक है, प्लस 53n माइनस 232। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, आप इसको सॉल्व करिए, आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता लग जाएगा कि कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे, ठीक है ना, इस सम के लिए रिक्वायर्ड। तो बी क्या है हमारा, 53 है, तो माइनस बी होता है, तो माइनस 53 प्लस माइनस बी स्क्वायर 53 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 232, ठीक है ना। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3, जो कि ए क्या है हमारा यहाँ पे माइनस 3 है, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, अंदर में, तो ये 25 आएगा, ठीक है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होगा, 5, ठीक है ना, माइनस 53 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई माइनस 6, ये एन का वैल्यू है, तो एन इक्वल्स माइनस 53 प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाई माइनस 6। तो एक बार प्लस लेके देखते हैं कि एन का क्या वैल्यू आता है, प्लस 5 डिवाइड बाई माइनस 6 विच इज माइनस 48 डिवाइडेड बाई माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल एंड हियर द नंबर ऑफ टर्म इज 8, ठीक है ना। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 8 इन दिस समेशन ऑफ दैट AP, ठीक है ना। अब देखिए, अब एक बार माइनस लिख के देखते हैं, तो माइनस 53 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 6, देखिए ये होगा माइनस 58, एक्चुअली माइनस में होगा माइनस 58 डिवाइडेड बाई माइनस 6, ठीक है। देखिए ये पूर्णतः डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये वैल्यू एक्सेप्टेड नहीं होगा, ओनली नंबर ऑफ टर्म्स विच विल बी करेक्ट फॉर दिस कंडीशन इज 8, ठीक है ना। सो द नंबर ऑफ टर्म विल बी 8। अब हमें क्या निकालना है, लास्ट टर्म, ठीक है ना। तो हमें पता है कि Sn इक्वल्स n बाई 2 a प्लस एल, ठीक है, तो a पता है हमको, a क्या है यहाँ पे 25, n क्या है यहाँ पे, अब हमें पता है 8,
हम इसमें क्या करेंगे 116 से इक्वेट कर देंगे, जो कि क्वेश्चन क्वेश्चन ऑलरेडी दिया गया हमें, ठीक है ना। तो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, 8 बाई 2, ए क्या है हमारा यहाँ पे 25 प्लस एल इक्वल्स 116, ठीक है, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये हो जाएगा 4 और 116 डिवाइडेड 4 कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा 29, ठीक है ना। तो और ज्यादा सिंप्लीफाई करते हैं, 25 प्लस एल इक्वल्स 29 और एल क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे लास्ट टर्म, 29 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 4, सो हमारा लास्ट टर्म होगा 4। ये हमारा आंसर है इस प्रॉब्लम का, प्रॉब्लम नंबर 6 का, ठीक है ना। तो आई होप कि ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है एपीजीपी, ठीक है ना, बट स्टिल इसको हम बहुत अच्छे से करेंगे और कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी करने जाएंगे। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हमें बताइए कि आपको पसंद आया, अपना फीडबैक दीजिए, अपना सजेशंस दीजिए, ठीक है ना, अपना रिव्यू दीजिए इस वीडियो को लेकर के। और कोई भी अगर डाउट हो फ्यूचर में या अभी भी तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कॉमेंट के थ्रू। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बाय बाय।